हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि मेरे पास गाइस बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं नीट 2020 में कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके, तो वो लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की जिन्होंने मन बना लिया है उनको फी के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको आज सारे जैसे कि मध्य प्रदेश में 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन 8ों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कितना फी स्ट्रक्चर है पर ईयर, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपकी काउंसलिंग रिगार्डिंग हर एक एक अपडेट मिलती रहेगी, और आगे भी आपको नीट में कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में वीडियोस मिलती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीट का कि हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो कि इंदौर में है, उसमें 250 सीट्स हैं। बाकी जितने और 7 जो मेडिकल कॉलेजेस अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 150 सीट्स हैं, यानी कि 150-150 सीट्स हैं। तो ये तो था गाइस सीट्स की कितनी कितनी है। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर हर एक इंडिविजुअल कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले नंबर पे मैं बात करूंगा पीपल्स मेडिकल कॉलेज। पीपल्स की अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज की फीस है 11,04,000 रुपीज पर एनम, यानी कि एक साल का आपको देना पड़ेगा 11,04,000 रुपीज। ये हो गया गाइस पीपल्स मेडिकल कॉलेज की। दूसरे नंबर पे हम आते हैं अब आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। ये उज्जैन में है। इस कॉलेज की फीस है 8,33,000 पर एनम गाइस, 8,33,000 रुपए हर एक साल का आपका आरडी गार्डी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो लगेगा। तो गाइस अकॉर्डिंगली आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। नंबर थर्ड पे मैं बात करूंगा श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। इसकी फीस है 9,28,000 पर ईयर, यानी कि 9,28,000 पर ईयर। गाइस अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेम्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, यानी कि अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज इंदौर है। इस मेडिकल कॉलेज में इसका रिकॉर्ड अगर आप देखो तो बेस्ट रिकॉर्ड है। इसके सारे फैकल्टीज टीचर्स सब लोग बहुत अच्छे हैं, यानी कि ये अगर रैंकिंग में हम रखते हैं तो पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। इसकी फीस है 9,28,000। गाइस जैसा कि अभी आप सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे अनअकैडमी के बारे में, तो आप में से अगर कोई भी नीट पीजी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है और उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन हैं, तो गाइज आप लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन पे और उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं भी अनअकैडमी को यूज कर रहा हूं, तो आप लोग उस पर रिलाय कर सकते हो एंड यू कैन गो अहेड विद अनअकैडमी। बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं अभी अनअकैडमी पे। सो 9,28,000। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो है लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज, यानी कि एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो इस मेडिकल कॉलेज की फीस है 11,30,000 रुपीज पर ईयर, यानी कि एक साल की 11,30,000 पर ईयर आपको देना पड़ेगा। कमिंग टू नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज, दैट इज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, जिसमें मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इसमें सीट्स हैं 250। इस कॉलेज की फीस है 10,90,000 पर ईयर, यानी कि एक साल का आपको फीस देनी पड़ेगी 10,90,000 रुपए। कमिंग टू नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज सिक्स्थ, दैट इज अमलतास मेडिकल कॉलेज। अमलतास मेडिकल कॉलेज गाइस, इसकी फीस है 9,28,000 पर ईयर, यानी कि 9,28,000 रुपए। अगर आप अमलतास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपको पर ईयर इतना पैसा देना पड़ेगा। आफ्टर दैट कमिंग टू नंबर सेवेंथ, दैट इज चिरायु मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में है। इस मेडिकल कॉलेज की फीस है 11,41,000 पर ईयर। गाइज इस मेडिकल कॉलेज की भी अगर आप रिकॉर्ड देखो तो इसका भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है, एकेडमिक काफी अच्छा है चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल का। तो आप चिरायु में एडमिशन ले सकते हो अगर आप इतनी फी भरने के कैपेबल हो, लाइक 11,41,000, 11,41,000 आप अगर आप फी भर सकते हो तो आप जरूर चिरायु मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कमिंग टू द लास्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज। गाइज अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो इसकी मान्यता पिछली साल चली गई थी, पिछले साल, तो इसमें कोई भी एमबीबीएस बैच अभी नहीं पढ़ रहा था। इस साल दोबारा से उसको मान्यता मिली है और ये इस साल दोबारा से आया है।
तो इस कॉलेज की क्या फीस स्ट्रक्चर है वो अभी इसकी वेबसाइट पे हमें नहीं मिली है, तो इस वजह से मैंने इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आपको नहीं बता पा रहा हूं। जैसे ही मुझे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपनी वीडियो के थ्रू। तो गाइज ये तो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, ये आप लोग बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनआरआई नहीं है। अब अगर बात कर लिया जाए एनआरआई कोटा से, जो लोग एनआरआई कोटा से सीट्स लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एनआरआई कोटा के लिए, ये फीस लगभग डबल से ट्रिपल हो जाती है एनआरआई कोटा के लिए। तो ये आप स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये इट इज फॉर द एनआरआई स्टूडेंट्स। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको जानकारी मिल गई होगी कि कितनी फी आपको देना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू गाइज, मे गॉड गिव यू द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक डाउट का रिप्लाई करता हूं। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस।